हेलो दोस्तों, यू के निटिंग में आपका स्वागत है। आज हम जो पैटर्न बनाना सीखेंगे, ये बॉर्डर का पैटर्न है। ये कार्डिगन में बहुत ही सुंदर लगता है, देखिए इस तरह से ये। चलिए देखते हैं ये किस तरह बनता है। देखिए हमने फंदे पहले ही से ही डाल रखे हैं और उसके बाद एक सीधी सिलाई बुन रखी है। ये वाली बुनाई क्या है, उल्टी साइड से ही बुनी जाती है। देखिए पहला फंदा लेना है सीधे इस तरह से, ये लिया और ये पलटाया। अब हम क्या करेंगे, तीन फंदे एक साथ बुनेंगे। ये इस तरह से तीन का एक करेंगे, ये एक किया और तागा आगे पलटाया। अब हम क्या करेंगे, एक का तीन करेंगे, एक दो और ये तीन, और फिर हम आगे करेंगे तागा और ये तीन फंदे एक साथ बनाएंगे। तीन का क्या करेंगे, एक कर देंगे इस तरह से। देखिए ये इस तरह से ये तीन का फिर आगे पलटा देंगे, फिर एक का तीन करेंगे, एक दो और तीन। ये फिर तागा इधर करेंगे, फिर हम ये क्या करेंगे, एक दो और ये तीन को एक साथ बनाएंगे। देखिए तीन का एक, फिर तागा आगे करेंगे एक को, फिर तीन बार बनाएंगे, एक दो और तीन, एक का तीन, फिर तागा पीछे किया, फिर तीन फंदों का एक फंदा करेंगे। देखिए इस तरह से ये तीन का एक, फिर तागा आगे करेंगे एक का तीन करेंगे, एक दो और ये तीन। फिर हम तागा इधर घुमाएंगे और फिर ये तीन करेंगे, तीनों का एक बना देंगे। देखिए इस तरह से ये एक, फिर तागा आगे घुमाया, फिर एक का तीन, एक पीछे किया तागा दो, आगे किया तागा तीन। ये देखिए फिर तागा इधर घुमाया, फिर तीन का एक कर दिया, तीन फंदे एक साथ बुने, ये तीन का एक, फिर तागा इधर घुमाया, फिर एक का तीन करेंगे, एक दो और तीन इस तरह से, फिर तागा पीछे किया और फिर तीन का एक कर दिया, ये इस तरह से, फिर तागा आगे घुमाया और लास्ट का सीधे ही ले लिया। ये देखिए डिजाइन उभरने लग गया हमारा। और ये वाली सिलाई जो सीधी सिलाई है, इसको इस तरह से बुनेंगे, सीधे ही उल्टी बुनेंगे, ये ऐसे एक इस तरह से, ये सीधे उल्टी बुनेंगे इसको, इसको सीधी नहीं बुनेंगे इस तरह। देखिए सीधे सीधे उल्टी बुनेंगे इस सिलाई को आगे की साइड से। ये डिजाइन पीछे की साइड से बुना जाता है, बहुत ही इजी है। देखिए ये इस तरह से सीधी सिलाई पूरी उल्टी बुनी हमने। अब इस साइड से जो पहले एक के तीन बनाए थे उनको अब एक बनाएंगे, और जो तीन का एक बनाया था उसका तीन बनाएंगे। ये पहले फंदा सीधे ही लिया ऐसे, ये इस तरह से इसको ऐसे पलटा, ये एक ये दो ये तीन, ये तीन बन गए। ये हमने पहले क्या किया था, तीन का एक बनाया था वो वाला फंदा है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये एक का तीन बना रखे हैं, ये अलग ही हो रखे हैं।
अब इसको हम ऐसे करेंगे आगे, ये इन तीनों को अब एक साथ बुनेंगे, ये इस तरह से, ये फिर धागा आगे घुमाएंगे और जो ये एक है, एक का तीन बनाएंगे, एक दो और ये तीन, ये इस तरह से। फिर धागा आगे घुमाया, फिर ये वाले फंदे ये दिख रहे हैं, देखिए इस तरह से इनका एक करेंगे, ये तीन को एक बनाएंगे, ये इस टाइप से ये आगे घुमाया, फिर इसका एक दो और तीन, फिर एक का तीन किया, फिर धागा आगे घुमाया, फिर इन तीन का एक किया, जो पहले में हमने एक के तीन किए थे उनको इस समय एक करना है, फिर धागा आगे घुमाया और जो तीन का एक बनाया था उसका तीन करना है, एक दो और ये तीन, देखिए इस टाइप से एक का ये तीन का एक कर दिया, फिर धागा आगे घुमाया, फिर एक का तीन करना है यहाँ पे, ये इस तरह से दो और ये तीन, इस तरह से फिर धागा आगे घुमाया, एक दो और ये तीन, इन तीन का एक किया, फिर धागा घुमाया, फिर एक का एक दो और ये तीन, इस तरह से फिर इन तीनों को एक साथ बनाएंगे, ये एक, ये इस टाइप से और आगे घुमा दिया, फिर इस एक का तीन कर देंगे, एक दो और ये तीन, ये लास्ट वाला सीधे ही बना दिया इस टाइप से। देखो हमारा डिजाइन उभरने लग गया इस तरह से, फिर हम सीधी सिलाई उल्टी ही लेंगे, सीधी तरफ धागा इधर घुमाया और इस फंदे को, इस सिलाई को सीधी लेंगे उल्टी, इसको सीधा नहीं बुनेंगे, इसको इस टाइप से उल्टा ही बुनेंगे, इस टाइप से देखिए, ये देखिए पूरी सिलाई सीधे, पूरी सिलाई हमें क्या करनी है उल्टी ही बुननी है सीधे में, ये देखिए इस तरह से ये उल्टी बुनी, और फिर उल्टी साइड से हमें डिजाइन बनाना है। देखिए अब उल्टी साइड से क्या करना है हमें, पहला फंदा सीधा ही लेना है, अब जो ये पिछली बार एक का तीन बनाए थे वो अपने आप ये दिख रहे हैं, ये अलग हो गए, वो धागा घुमाया और इनको तीन किया, तीन का क्या किया एक किया, ये एक दो और ये तीन फंदे हमारे, ये देखिए ये तीन फंदे, फिर धागा आगे किया और ये एक एक फंदा है जो अलग, इसका तीन बनाए, एक दो और ये तीन, ये इस साइड इस तरह से धागा आगे घुमाया, फिर इन तीन का ये एक किया इस तरह से, देखिए फिर धागा आगे घुमाया, फिर एक का तीन किया, ये देखो फिर आगे और ये तीन हो गए, देखो इस तरह से। अब हमने तीन का क्या किया,
एक बनाया, फिर धागा आगे घुमाया, फिर एक के तीन बनाएंगे, एक दो, फिर धागा आगे तीन, ये एक के तीन बन गए, एक दो और तीन, तीन का फिर एक, फिर धागा आगे घुमाया, फिर एक का ये करेंगे तीन बनाएंगे, दो और ये तीन, ये एक का हमारा तीन बन गया इस तरह से, फिर धागा घुमाया, फिर एक दो और तीन, तीन का एक करेंगे, फिर धागा आगे किया, ये एक का तीन करेंगे इस तरह से, एक फिर ये दो फिर ऐसे तीन, ये तीन बन गया, एक दो और तीन, इन तीनों का क्या करेंगे, एक बनाएंगे फिर से, धागा आगे किया, फिर एक का क्या किया, तीन बनाएंगे, एक दो और तीन, तो फिर धागा घुमाया, फिर ये एक दो और ये तीन, ये फिर धागा घुमाया, और फिर लास्ट में एक, देखिए हमारा डिजाइन उबलने लग गया है इस तरह से, ये हर बार ऐसे ही रिपीट करना है, ये सूटी साइड को क्या करना है, हमें सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं, ये इस तरह से, ये एक दो तीन, देखिए पूरे फंदे हमें ऐसे ही बुनने हैं इस तरफ से, सूटी साइड से ऐसे, ये पूरे हर बार सूटी साइड ऐसे ही रिपीट करना है। और बैक साइड में इसका पैटर्न बनेगा, ये पहला फंदा सीधे लिया, और ये जो ये पहले तीन का एक किया था उस, अब एक फंदे का तीन करने, देखिए ये एक धागा घुमाया, दो फिर धागा आगे किया और तीन, फिर धागा आगे किया, जो ये तीन बने थे, एक का तीन बनाया था वो इस बार तीन का एक हो जाएंगे, वो इस तरह से, ये फिर धागा आगे घुमाया, फिर एक का तीन करेंगे, एक दो तीन, हर सिलाई में ऐसे ही रिपीट करना है इसको, फिर धागा आगे किया और तीन का ये एक बना दिया, फिर धागा आगे किया, फिर एक का तीन बनाया, एक धागा पीछे किया, दो धागा आगे किया, तीन, इस तरह से हमारे तीन के एक का तीन बन जाएगा, फिर धागा आगे किया, धागा अपनी तरफ किया और ये तीन का एक बनाएंगे इस टाइम, देखिए फिर धागा आगे किया, फिर एक का तीन बनाएंगे इस तरह से, बहुत ही इजी है, देखिए इस तरह, फिर धागा आगे किया और तीन का एक करेंगे, फिर धागा आगे किया, एक का तीन करेंगे, एक दो और ये तीन, एक का तीन किया, फिर तीन का एक किया, फिर धागा आगे किया, फिर एक का तीन किया, एक ये दो और ये तीन, फिर धागा आगे किया और तीन का एक दो और इन तीन का एक किया, ये इस तरह से, फिर धागा घुमाया, फिर एक का
तीन क्या, एक दो और तीन, और लास्ट का फंदा सीधे ही लेना है। बस हमें रिपीट करते जाना है और कुछ इस तरह से आपका ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। देखिए बहुत ही इजी है, देखिए कुछ इस तरह से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।